ये फिल्म की ट्रेलर 3 दिन बाद आई है, आफ्टर 3 डेज आफ्टर द फिल्म रिलीज द ट्रेलर रिलीज, कि यार इतना टाइम से आ नहीं रही है, शायद अच्छी नहीं होगी, शायद बुरी होगी. तो उस वक्त तो इट वॉज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ. तो जब पोस्टर पे ही कॉन्ट्रोवर्सी आ गई तो हम रोए, मेरी फैमिली मूव्ड इन विद मी, माई मदर फादर. सी एज अ फिल्म मेकर, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर फिल्म टू रिलीज, कोई भी फिल्म मेकर हो, आप चाहे कि इंटरव्यू कर रहे हो, आप चाहोगे कि आपका काम पूरी दुनिया देखे, करेक्ट? पीपल अप्रिशिएट यू एज अ प्रेजेंटर. सिमिलरली व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म, यू आर वेटिंग टू सेलिब्रेट द फिल्म, कि आओ पूरी दुनिया देखो एंड जज करो, अच्छी लगी बुरी लगी वो आपके ऊपर, पर देख तो लो. तो जब पोस्टर पे ही कॉन्ट्रोवर्सी आ गई तो हम रोए, मेरी फैमिली मूव्ड इन विद मी, माय मदर फादर, बिकॉज आई डोंट थिंक फ्रॉम हियर, आई ओनली थिंक फ्रॉम माय हार्ट. आई एम ए वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन एंड एनीबडी हु नोज मी विल वाउच फॉर दैट. एंड आई रिएक्ट इवन फ्रॉम माय हार्ट, आई डोंट रिएक्ट फ्रॉम माय माइंड, आई डोंट सोच के कभी बात नहीं करता. तो उस वक्त तो इट वॉज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज you want your film to come out, you want publicity to come out. 6 saal ho gaye ek last film ko, Hitchki ko. You don't wait for 6 years to come out after a hit film. us dauran kafi logon ne judge bhi kar li film ko, ki yaar itna time se aa nahi rahi hai, shayad achhi nahi hogi, shayad buri hogi, xyz, aap ye sab baatein aapko sunne mein aati hain. And I was like, let the film come out and talk and you all will know it's a legit good film. So, of course, there was that back and forth which one went through, and but I guess that's life. You've got to go through it. If it's written up there, you have to walk that course. But if we see the film now, I must say this, that the intention jo thi, wo bahut pure thi. Because intention wo film mein bhi dekh ke aayi hai. Aur kai baar aisa kaha bhi gaya ki, you know, ki mujhe jile se कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है, पर्सनली दिक्कत नहीं है, मुझे उनकी सोच से दिक्कत है, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट पे. मैं तो मानता हूँ जरूरी है, पर ये जैसे आपने बोला, जैसे लोग अभी देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि वो एक इंसान के सोच के खिलाफ लड़ाई है जी. उसके पहले लोग को लग रहा था किसी संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई, उसके पहले सबको लग रहा था कि नहीं, हम रिलीजन को गलत दिखा रहे हैं. जब फिल्म देखी तो उनको समझ में आया कि भाई अपने ही रिलीजन के लीडर उसको बोल रहे हैं कि लड़ो इस रॉन्ग इंसान के खिलाफ. तो वही जैसे आपने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर और बाय एनीथिंग. यस, दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी वर फेसिंग. बट आई एम ग्लैड दैट एक तो जुडिशरी ने देख ली, उनको अच्छी लगी, उनको लगी कि ये नॉन ऑब्जेक्शनेबल है और डज नॉट हर्ट एनीबडी, तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं. एंड देन ऑडियंसेस हैव लव्ड इट. यस, सी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडियंसेस ओवर एनीबडी. Audience is the final critic. Audience is the final reviewer. Yes. They will like your film or not like your film. Watch your film or not watch your film. Right. So it is totally their love that is now making us sit here and talk. Yes. Yeah. Absolutely. Yeah. And that too after film. I love this fact that आप अगर in movie को देखने के बाद बात करो ना interview में, तो वो मजा ही अलग है. अलग होता है. Correct. Right. And after all, also I would like to know कि वो से स्ट्रैटेजी की नहीं, प्रमोशंस नहीं करने या पोस्टर आने के बाद सारे सिचुएशन के नहीं, नहीं पोस्टर आने के बाद एक स्ट्रैटेजी थी जो प्रमोट होगी. हाँ, पर पोस्टर के बाद ही जब ये सब चीजें चालू हुई तो वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली यशराज और नेटफ्लिक्स ही डिसाइड करती है, वो मुझसे पूछ के डिसाइड नहीं किया जाता. और वो मुझसे बेहतर ही जानते हैं कि इस तरह का सेंसिटिव फिल्म किस तरह से बाहर लाई जाए ताकि यू नो बात का बतंगड़ ना बनाया जाए. तो कीपिंग दैट इन माइंड, दैट इज समथिंग दे डिसाइडेड, दे टुक अ कॉल. बट ऐसा नहीं था कि उनका इंटेंशन नहीं था कि कभी लाएंगे नहीं, बट एक पोस्टर पे ही इतना बवाल हो गया कि यू नो इट डिडंट मेक सेंस. एंड नाउ सी, टोटली ऑपोजिट, नो जरूरत ही नहीं पड़ी है इस फिल्म को कुछ भी प्रमोशन की. इस फिल्म की ट्रेलर 3 दिन बाद आई है, आफ्टर 3 डेज आफ्टर द फिल्म रिलीज द ट्रेलर रिलीज. यस यस.